आदेश जय श्री महाकाल जय मखमख्या। हम गुरुकराल रुद्र ताराकालाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लाए, सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोगम काया प्रदान करे और सभी के जीवन में पॉजिटिविटी ला करके रखे। खैर, वीडियो को आरम्भ करने से पहले कृपया आप जो है वीडियो के आरंभ में लगे हुए जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो को की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि जो है अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक हम लेकर के आते रहें। खैर, समय व्यर्थ ना करते हुए हम गुरु कराल रुद्र ताराकालाचारी महाराज आपको बताते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है पाशुपात्य साधना। ऐसी साधना जिसके बारे में आज तक कभी किसी ने सुना भी नहीं है, ना कभी कहीं यूट्यूब पर, ना इंटरनेट पर कहीं किसी ने नहीं बताया कि पाशुपात्य साधना होता क्या है। पाशुपात्य साधना होता है मूल रूप में एक मानव का अपने पाशुपात्य स्वरूप को जो है सामने प्रदर्शन करने के लिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको जो है किसी गुरु का चेला बनना है, तो उसको गुरु को चेला बनने के लिए उसके पास पांच लक्षणों का होना अनिवार्य है जो गुरु पद्धति में विशेष हैं। वो पांच लक्षण हैं, ध्यान में भी बोला जाता है, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा यथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात जो विद्यार्थी एक काक की तरह, एक कौवे की तरह चतुर हो, एक बगुला की तरह ध्यान करने वाला हो, जैसे एक बगुला ध्यान करके मत्स्य को पकड़ लेता है, एक बगुल की तरह ध्यान करने वाला हो, काक की तरह चतुर हो, श्वान की तरह कम निद्रा लेने वाला और जो है कम खाने वाला, ठीक, आलस्य कम करने वाला और गुरु के लिए ग्रह का त्याग करने वाला, मूल रूप में विद्यार्थी कहलवाने के लायक है। अर्थात वो विद्यार्थी जिसके अंदर ये पांच लक्षण हो, वही एक जो है सिद्ध साधक बनने का जो है अपना एक ध्यान कर सकता है, वही एक सिद्ध साधक बन सकता है जिस विद्यार्थी के अंदर या शिक्षक के अंदर जो है इस प्रकार के जो है गुण आ जाएं। यदि अब आ जाते हैं ये पंच भाव जो हमने आपको बताए हैं, और आगे जो है बात आती है कि इन पंच भावों का स्वरूप विद्यार्थी पाशुपत्य साधना में किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है। बोलते हैं पाशुपत्य भाव जो होता है साधक के लिए वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भाव है। इसी पाशुपत्य भाव के अंदर ही साधक जो है हर प्रकार की साधना को जो है मूल रूप में अपने अधीन कर सकता है। जैसे एक पशु होता है अपने जो है मालिक के प्रति वफादार होता है और अपने मालिक के दिए अनुसार ही खाना खाता है, अपने मालिक के कहे अनुसार ही काम करता है, मालिक के कहे अनुसार ही जो है खाना खाता है, मालिक के कहे अनुसार ही भोंकता, अगर मालिक नहीं कहता तो भोंकता भी नहीं है, समझे। तो ये होता है एक पाशु के भाव। उसी प्रकार से जिस समय एक साधक अपने ईष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु के प्रति एक पाशुपत्य भाव को रखता है जिस समय, ठीक, तो वो पाशुपत्य भाव उस साधक को कब एक पाशु के स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं उसको खुद को भी नहीं पता चल पाता इस चीज़ के लिए। मान लीजिए कि अगर कोई साधक है, यदि उसको एक समय श्वान की भांति कम निद्रा लेने वाला या गुरु के घर का कुत्ता, लगा लीजिए कि उसको गुरु के घर का कुत्ता बनना है एक समय के लिए, एक श्वान की भांति उसको बनना है, तो उसको एक समय ऐसा आएगा कि उसको संसार के मध्य यदि भाव को प्रदर्शित नहीं करना तो एक विद्यार्थी अपने गुरु की तपोबल और अपनी शक्ति के तपोबल से अपने आप को पाशुपत्य स्वरूप में प्रदर्शित कर सकता है, अपने आप को पाशुपत्य स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है। हमने जो ये पांच आपको जो स्वरूप बताए हैं ना, ये पांच स्वरूपों में से किसी भी स्वरूप में विद्यार्थी अपने आप को जो है बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है पाशुपत्य साधना के द्वारा। पाशुपत्य साधना करने से पूर्व साधक के अंदर पाशुपत्य भाव आना बहुत ज़रूरी है, जो भाव हमने बताए आपको कि समर्पण भाव होना बहुत ज़रूरी है गुरु के प्रति। दूसरा, तपोबल का उसके अंदर इतनी अग्नि होनी चाहिए कि जिस अग्नि के द्वारा वो अपने आप को तो रोशन कर सके, चार लोगों को और रोशन कर सके, इतना तपोबल की शक्ति उसके अंदर होना चाहिए पाशुपत्य साधना के लिए। तीसरा, पाशुपत्य साधना के लिए साधक को बिल्कुल अनाहार रहने की आवश्यकता होती है कि साधक जो एक समय जो है वायु को भी अपना भोजन बना ले, चलते हुए जो है मंद वेग से चलते हुए वायु को अपने आहार स्वरूप में जो है परिवर्तित कर ले, या फिर जो है आने वाले जो धूप है उसको आप आहार स्वरूप में परिवर्तित कर ले। हठ योग का मतलब प्रकर्मण पूर्ण होना चाहिए उस विद्यार्थी का जो पाशुपत्य साधना करना चाहता है। चौथा, उस साधक का फोकस या फिर मेंटेनेंस या कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए उसका कि जो गुरु ने उसको बोला है वो उसको पूर्ण करने के लिए पूर्णतः सज्ज हो। मान लीजिए अगर गुरु ने बोला कि यहाँ तुम्हें 12 साल बैठ के तपस्या करनी है, तो मतलब ही नहीं बोलना बनता है उसका कि वो 12 साल तक उस स्थान से उठ भी जाए। ये मतलब पाशुपत्य भावना साधना के कुछ लक्षण है, 12 वर्ष तक वो उस स्थान से उठ नहीं सकता है
और ना ही 12 वर्ष तक उसको ये पता चलता है कि ये 12 वर्ष कब में बीत गए। जैसे अब उसने बैठा समाधि के अंदर बैठा और वो बोलेगा कि मैं 5 मिनट में उठ गया, उसको लगेगा कि मैं अभी तो बैठा था 5 मिनट में, ये नहीं पता कि कब 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 15 साल निकल गए। ये पाशुपत्य साधना का ही एक लक्षण है, पाशुपत्य भाव का ही एक लक्षण है। ये पाशुपत्य की जो विद्या होती है ये हर किसी के बस में नहीं होती। सभी बोलते हैं कि हम थोड़ी मतलब बड़ी विद्याओं के बारे में बताते हैं, बड़ी जो है बड़ी विद्याएं, ये विद्याएं हम बताना आरंभ कर रहे हैं जो लोग जो वो लोग जो मतलब जो बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं उस क्षेत्र में, जैसे हम हैं, हमें पाशुपत्य विद्या का बहुत मतलब हमारा जो है मुख्य टॉपिक रहा है आरंभ से लेकर के, और हमारा बहुत इंटरेस्ट रहा है इस क्षेत्र में सदैव, पाशुपत्य के क्षेत्र में, और हमारा जो भाव भी रहा है सदैव से वो पाशुपत्य रहा है। तो पाशुपत्य के लिए साधक को क्या होता है कि 5 जो हमने जो है जीवों के हमने नाम लिए, 5 पशुओं के हमने नाम लिए, तो इन 5 पशुओं में से साधक अपने आप को किसी भी स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है। अब ये नहीं कि जैसे सर्प, अब कुछ लोग इसको सर्पधारी साधना से जो है मिला करके बोलेंगे कि जैसे इच्छाधारी सर्प अपने आप को किसी भी स्वरूप में जो है प्रदर्शित कर सकता है या किसी भी स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन साधक जो होता है उसके लिए सिर्फ 5 स्वरूप जो है वो निहित है तंत्र के अंदर, इसके से वो किसी अन्य स्वरूप में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता। हाँ ये हो सकता है कि वो अपना एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी भी संसार के किसी भी कोने में अपने आप को जो है प्रवाहित कर सकता है, ये हो सकता है कि अपनी साधना के बल से वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की वाणी को सुन सकता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को जो है देख सकता है कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये साधना है और तपोबल का ही प्रभाव होता है। लेकिन पाशुपत्य और तंत्र विधान के अंदर किसी ने आज तक ये बात नहीं बताई आपको कि अगर कोई स्वरूप बदल सकता है तो ये 5 स्वरूपों के सिवा किसी अन्य स्वरूप में अपने आप को बदल नहीं सकता है। यद्यपि कोई साधक जो है थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का हो तो वो अपने आप को सिंह स्वरूप में भी जो है परिवर्तित कर सकता है, वो तब कर सकता है जिस समय उसको पूर्ण रूप में सिंहराज के स्वरूप में उसको जो है तपोबल की उसकी जो है ऊर्जा उस प्रकार की हो तपोबल के रूप में। अब आती है बात की पाशुपत्य साधना होती कैसे है। पाशुपत्य साधना के रूप में साधक को इन 5 पशुओं के भांति मुद्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, समझे, जैसे श्वानह मुद्रा, समझे, बको मुद्रा, बागुल मुद्रा, मुद्रा तत्व का उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उनको इन सभी पशुओं के स्वरूप में इन सभी पशुओं के जीवन शैली को जीने का तरीका आना चाहिए कि जिस प्रकार से जीवन जीते हैं या जो ये आहार करते हैं तो उसी प्रकार का आहार साधक को अपनी साधना के दौरान लेना भी पड़ता है पाशुपत्य साधना के दौरान। तीसरा, उसको जो है अपने गुरु की बात को पूर्ण मानना चाहिए। चौथा, जिस जो गुरु के द्वारा पाशुपत्य साधना का मंत्र मिलता है उसे पाशुपत्य साधना के मंत्र को पूर्ण करना पड़ता है। पांचवा, उसको ग्रह त्यागी होना चाहिए। वो व्यक्ति जो घर परिवार वाला हो या घर परिवार में रहता हो उसको ये साधना नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो साधना कर ही नहीं सकता, इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता वो पाशुपत्य तक। तो ये जो स्वरूप है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की साधनाएँ हैं जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता पाशुपत्य के स्वरूप में। हाँ, लेकिन इसको करने के लिए कैसे है, अपने जो स्वरूप है जो असल स्वरूप है उस स्वरूप को एक स्थान पे छोड़ करके किसी अन्य स्थान पे आवागमन हो करके किसी अन्य मृत जीव के स्वरूप में अपने आप को प्रदर्शित करके उस स्वरूप को धारण कर लेना। मान लीजिए कि कोई मृत बिल्ली लगा लीजिए कि उस मृत बिल्ली के बीच में अपने जो है सूक्ष्म आत्मा को प्रवाहित कर देना और उसके स्वरूप में जाकर के संसार में विचरण करके आ जाना। एक बक के रूप में अपने आप को जो है परिवर्तित कर लेना और उस बगुल के माध्यम से किस संसार के किसी भी स्थान पर जाकर के जो है अपनी जो है यात्रा करके आ जाना। तो ये सब जो है एक सिद्ध साधक के लक्षण है। हमारे ही आंखों देखी ये सब चीज़ें हैं, हम ये बता नहीं सकते, इतने ज़्यादा गोपनीय राजों को हम खोल नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन ये कि जो जो चीज़ें मेन हैं वो हम उनको बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो वही चीज़ें बताते हैं जो जैनवन है जो आज तक कभी ना तो किसी ने सुनी है ना कभी किसी ने बताई है। ये पाशुपत्य साधना कामाख्या क्षेत्र में बहुत मतलब समय से ये चलती आ रही है। जैसे लोग बोल देते हैं कि किसी को भी मतलब पाशु के स्वरूप में यहाँ पे परिवर्तित कर दिया जाता था, किसी को बैल बना करके खेतों में जुतवाया जाता था या किसी को बकरा बना के बलि कर दिया जाता था। तो ये पाशुपत्य साधना का ही एक फल है जो इस क्षेत्र में शुरू से जो है करती आ रही है। छल विद्या, माया विद्या, वाक विद्या इसी पाशुपत्य साधना की ही देन है। और यह पाशुपत्य का जो मूल आधार देव है वो पाशुपत्य शिव और पाशुपतेश्वरी माँ भगवती मातंगी का ही एक स्वरूप है। मातंगी की सिद्धि जिसके पास पूर्णतः प्राप्त हो वो मूल रूप में पाशुपत्य स्वरूप को धारण कर सकता है, और जिसके पास पाशुपत्य शिव का जो है सिद्धि हो वो मूल रूप में अपने आपको पाशुपत रूप में जो है स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, कि जिसके पास गुरु की कृपा वो अपने आपको पाशुपत स्वरूप में स्थापित कर सकते हैं।
साधनाओं को जानने के लिए सिर्फ यहाँ पे आधार है, दीक्षा प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें। बेसिक कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, पितृ साधनाएं भी अब चल रही हैं पितृ पक्ष में, तो सभी पितृ साधनाएं सीख सकते हैं। तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें डायरेक्ट कॉल हमें ना करें क्योंकि समय होता नहीं है हमारे पास। जो करें अच्छे के लिए करें, भलाई के लिए करें। हमें व्हाट्सएप पे जिन्हें डायरेक्ट कॉल की वो डायरेक्ट ब्लॉक होगा, हमने नहीं देखना वो कौन है कौन नहीं है। तो अपनी बारी का इंतजार करें, अदरवाइज आप यहाँ से दफा हो जाइए। अगर जिसको जिसने डायरेक्ट फोन किया व्हाट्सएप के ऊपर, अपनी बारी का इंतजार करें, समय पर जवाब अवश्य मिलेगा। जय माँ का।